वायरल प्रेम कहानी, सचिन और सीमा के वायरल प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आया है। सीमा का जो पाकिस्तानी पति है गुलाम हैदर, उसने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के थ्रू गुलाम हैदर ये बता रहा है कि सीमा को जहनी मरीज बनाया गया है। सीमा को पता नहीं कौन सा पट्टी पढ़ाया गया है जिसके माध्यम से सीमा ने, जो पाकिस्तान में सीमा का घर था वो घर बेच दिया सीमा ने, और जो भी उससे पैसा सीमा को मिला वो ले करके नेपाल के रास्ते भारत आ गई और भारत के ग्रेटर नोएडा पहुंच गई सचिन के पास। तो उसके पति गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी किया है और पति ने मोदी सरकार से अपील किया है कि मेरे पत्नी के सीमा को जहनी मरीज बनाया गया है और गलत तरीके से हमारे पत्नी को पबजी, जो एक खेल है जिसके बारे में गुलाम हैदर को पता भी नहीं है, उसके माध्यम से झांसे में ला करके उसके पत्नी को भारत में लाया गया है। अब मीडिया का भी धन्यवाद दिया है गुलाम हैदर ने, और साथ ही मोदी सरकार से अपील किया है कि मेरे बच्चे को, जो उसके फरीद, फरहान, फरोज जो भी बच्चे हैं गुलाम हैदर के, और साथ में पत्नी सीमा को वापस भेज दिया जाए। गुलाम हैदर ये बता रहा है इस वीडियो में कि वो एक गरीब मजदूर है जो दिन में मजदूरी करके गरीब परिवार से आता है, अपना जीवन यापन करता है और वो बहुत ही परेशान है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है गुलाम हैदर, जो कि सीमा का पति है और मौजूदा समय में सीमा जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सचिन के प्यार में पागल होकर ग्रेटर नोएडा में आ चुकी है। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के ज़रिए उनको जहनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर बिचवाया, कैसे बच्चों को जहनी मरीज बनाया गया उनको। हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में हैं, मैंने देखा मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी मुझे। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ, छोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था, बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए, शुक्रिया। गुलाम हैदर जिसे आप वीडियो में सुन रहे थे वो अभी सऊदी अरब में कार्यरत है, एक किसी संस्थान में मजदूर के तौर पे गुलाम हैदर जो है वो काम कर रहा है। इस प्रकरण के तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप जुड़ रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।